हेलो फ्रेंड नमस्ते, मैं मानस आप लोग का स्वागत करता हूँ जय कुशल यूट्यूब चैनल के एक नया एंड फ्रेश टेक वीडियो पे। तो जैसे कि वीडियो का थंबनेल देख के आप लोग को पता लग गया होगा कि आज हम लोग का वीडियो का टॉपिक है कि हम लोग पाइपलाइन का जो जॉइंट होता है वो जॉइंट में से एक जॉइंट आता है जो जिसका नाम है टी जॉइंट, तो उसका बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले तो आप लोग जान लीजिए टी जॉइंट क्या होता है। तो मैं एक पिक्चर दिखाता हूँ, तो ये पिक्चर देख लीजिए, इसको टी जॉइंट कहते हैं। तो टी जॉइंट इसको कहते हैं, ठीक है। तो अभी तो टी जॉइंट आप लोग जान गए, इसको टी जॉइंट कहते हैं। तो टी जॉइंट कितने टाइप के होते हैं, तो पहला हो गया आपका टी जॉइंट का, पहला हो गया आपका इक्वल टी, तो इक्वल टी जॉइंट होता है। और सेकंड में हो गया आपका अन इक्वल टी जॉइंट, तो थर्ड में हो गया आपका लेटरल टी जॉइंट। और जितना टाइप का भी टी जॉइंट होता है इन तीनों का बीच में ही टी जॉइंट होता है। तो इन तीनों का फॉर्मूला आप लोग पता चल गया, तो जितना भी पाइपलाइन का टी जॉइंट होगा ना आप लोग आराम से कर पाएंगे, ठीक है। तो पहले आज हम लोग क्या मतलब आज वीडियो का टॉपिक ये है कि टी जॉइंट का पहला वाला जो इक्वल टी है इसको कवर करेंगे, हैं ठीक है। तो इक्वल टी को कवर करेंगे, तो ये मैं एक इक्वल टी का ड्राइंग बना के रखा हूँ, तो आप लोग देख लीजिए ड्राइंग है। तो पहला जो हम लोग का हॉरिजॉन्टल जो पाइपलाइन है उसका जो ओडी है, ओडी तो आप लोग को पता होगा आउटर डायमीटर, इसमें 6 इंच लिखा हुआ है, तो ये 6 इंच का है ओडी। तो जो वर्टिकली है जो पाइप है तो इसका भी ओडी है सेम 6 इंच, तो इसको हम लोग 90 डिग्री पर सेट किया है। तो इसको हम लोग 45 पे भी कर सकते हैं, लेकिन इसको हम लोग 90 डिग्री पे किया है तो आसानी होगा समझने में। तो इसका किस लिए इसको हम लोग इक्वल टी कहते हैं, इक्वल टी जॉइंट किस लिए कहते हैं, तो इसलिए है कि इसका जो ओडी होता है वो सेम होता है, मतलब ये एक ही पाइप है, इसका भी ओडी 6 इंच है और इसका भी ओडी 6 इंच है, मतलब ये दोनों एक ही पाइप का एक ही पाइप है, लेकिन इसका जो जॉइंट हो रहा है तो ये टी जॉइंट हो रहा है। तो इसलिए हम लोग इसका पाइप को ओडी इक्वल होने का वजह से हम लोग इसको क्या बोलते हैं, इक्वल टी जॉइंट कहते हैं। तो अभी हम लोग को ये जो पर्सन दिखाई दे रहा है आप लोग को कटबैक लिखा हुआ है, तो हम लोग को क्या करना है, इक्वल जॉइंट में 90 डिग्री में ज़्यादा लाइन नहीं होता है, 4 लाइन में ही काम होता है। तो हम लोग को पहले क्या करना है, कटबैक निकालना है। तो कटबैक निकालने के लिए एक फॉर्मूला है जो मैं आप लोग को दिखा दूंगा, तो ये देख लीजिए इक्वल टी फॉर्मूला। तो हम लोग को क्या निकालना है, मैं पहले भी बोला था हम लोग को कटबैक निकालना है। तो कटबैक का एक फॉर्मूला होता है जैसे कि ओ डी इंटू 2 डिवाइडेड बाय 5, तो इसको करने के साथ साथ क्या होगा, हम लोग का जो कटबैक है वो मिल जाएगा, ठीक है। तो उसका पहले एक बात का एक चीज़ का जो आप लोग ध्यान देना है, हम जो पाइप का ओडी में लिखा हुआ है इसमें मैं इंचेस में लिया हुआ है, एक्चुअली इसको क्या करना है हम लोग एमएम में कन्वर्ट करना है। तो एक्चुअली आप लोग ना पहले क्या करिए, एमएम में ही मेजरमेंट कर लीजिए वो पाइप का ओडी को। तो 6 इंच का ओडी होता है हम लोग का 168 mm, तो आप लोग गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं 6 इंच ओडी इन mm, तो निकल देगा आप लोग को 168 mm बोल के। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 168 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल 67.2 mm। तो क्या हुआ, हम लोग का कटबैक जो मिल गया वो हो गया 67.2 mm। आप लोग 4 सेंटर लाइन लेना है, ठीक है। 4 लाइन लेके 2 लाइन पे क्या करना है, आप लोग का कटबैक अप्लाई करना है। आप लोग को पता होगा 4 सेंटर लाइन लेके 2 ही लाइन पे आप लोग कटबैक अप्लाई करना है, ये 90 डिग्री का है इसलिए आसानी से हो जाएगा कट। थैंक यू, मैं आशा करता हूँ आप लोग को आशा से समझ में आ गया होगा। तो आप लोग ये फॉर्मूला को अप्लाई करके जो इक्वलिटी होता है उसका 90 डिग्री, तो याद रखिए ये 90 डिग्री के लिए काम करेगा। तो 90 डिग्री का एक इक्वल टी जॉइंट आप लोग आसानी से बना सकते हैं। तो जाने से पहले क्या कीजिए, मेरा जो वीडियो देख लिया ना आप, उसको एक लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। थैंक यू।